टांडा बरूड क्षेत्र में किसानों की फसल में वायरस और बीमारियां होने से किसान परेशान हैं। बारिश कम हो तो किसान परेशान, ज्यादा हो तो किसान परेशान। कभी किसानों को सही बीज उपलब्ध नहीं हो पाता तो कभी रासायनिक खाद नहीं मिल पाता है। आसपास के गांवों की कपास की खेती ज्यादा होती है, वहीं पिछले 8 दिनों में लगातार बारिश होने से कपास की फसल खराब होने लगी है। कुछ किसान तो अपने खेतों पर दूसरी फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी मुसीबत के समय में कौन आकर साथ दे। कपास में कई तरह की बीमारियां पिछले 10-15 साल से आ रही है, मिर्ची में वायरस हो रहा है, मक्की में इल्ली का प्रकोप है। किसानों के हित के लिए कई विभाग है, मगर अधिकारी कर्मचारी मोटी तनख्वाह लेने के बावजूद भी किसानों को इन लगातार बढ़ती समस्या से निजात नहीं दिला पा रहे हैं। किसान अपनी हालत पर खुद ही आंसू बहाते हैं। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। ये कपास क्या आपका खराब हो गया है? हाँ, खराब हो गया। तो फिर अब क्या कर रहे हैं? क्या इसमें मक्का लगवाए हैं, अभी तक कोई काम कर नहीं रहा। तो इसमें लगभग आपको एक कुछ अनुमान है कितना खर्चा लगा होगा? इसमें लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा कर दिया। कितने एकड़ में? ये है 8 एकड़। 40 हज़ार खर्चा लग चुका है और अब फसल पूरी तरह खराब हो गई। खराब हो गई और अब मक्का लगाओ, उसमें फिर खर्चा लगेगा। उसमें अब खर्चा लग रहा है। ये कपास ऐसे खराब हो रहा है तो क्या कारण होगा, कुछ पता है? ये कपास आया बारिश के वजह से ऐसा हुआ है कि कुछ बीमारी हो गई? बीमारी तो है, पर पानी भी बहुत झापा हो गया, इसलिए भी ऐसा हुआ है। बरसात बहुत ज़्यादा हो गई, इस कारण ये हो गया है ऐसा। तो इसमें क्या लगा? इसमें कितना मतलब खर्चा तो अभी बहुत कर दिया होगा। खर्चा तो बहुत हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।